हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है, बैक से ये ऐसा आता है। 6 रोज़ का पैटर्न है ये, और आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के प्रोजेक्ट्स में, किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 5 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालनी है। तो 12 फंदों की बिनाई है, 12 12 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा, और लास्ट में 5 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 5 फंदे देखिए, 3 फंदे तो हमारे डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए डालने हैं, और 2 फंदे अपनी एज के लिए डालने हैं, इसलिए हमने लास्ट में इसमें 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 29 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 29 स्टिचेस है मेरे पास, और 2 बार इसमें हमारा पैटर्न बनेगा। अब फर्स्ट रो, पहली सिलाई सीधी तरफ से, एक फंदा एज का है, इसको हमने स्लिप करना है। अब इसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, तो 1 2 3 4। ये 4 फंदे सीधे हो गए, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 4 फंदे बचेंगे, तो इन 4 फंदों को आपने उल्टा बेल लेना है। 2 3, और एज स्टिच को भी उल्टा बिन देंगे। 4। सेकेंड रो, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के हमें कंप्लीट करना है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। अब जो पैटर्न चलेगा वो रॉन्ग साइड में हमेशा हमारा एक ही पैटर्न चलेगा। तो अब पहले ये 4 फंदे, एक फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ये 3 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2 3, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 4 फंदे बचेंगे, इन 4 फंदों को हमने सीधा बिन लेना है, 1 2 3 4। अब थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो पहले जैसे हम सीधा बीनते हैं, ऐसे नेट वाइज इन्हें स्लिप कर लेंगे, वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ा के और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बीनेंगे इस तरीके से। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसको गोल घुमा के वापस से अपनी तरफ लाएंगे, ये हमने जाली डाल ली, और उसके आगे का एक फंदा उल्टा बिनना है। अब यहाँ पे फिर से हमारी जाली आएगी, तो धागे को पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के वापस पीछे ले जाएंगे, ये हमने जाली डाल ली, और इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2
धागा पीछे, इन दो फंदों को ऐसे रेट वाइज स्लिप करेंगे वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के, और बैक लूप से पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, यहाँ पे जाली डलेगी, धागा आगे लाए, गोल घुमा के वापस से आगे लाएंगे, जाली डल गई और एक फंदा उल्टा, फिर से जाली डालेंगे तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और फिर इन दो फंदों को सीधा बिनेंगे, एक दो, इसके बाद इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न, लास्ट में चार फंदे बचेंगे, इन चारों फंदों को आपने उल्टा बिन लेना है, एक दो तीन चार। फोर्थ रो चौथी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है, सेम हमारी सेकेंड रो की तरह बनेगी, एक फंदा स्लिप करा। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, पांचवी सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा हमने स्लिप करना है एज का है, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिना। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा इन दो फंदों के बाद, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा, तो एक फंदा उल्टा, फिर इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिन देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए इन दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, राइट ट्विस्ट करना है, तो जो ये आगे वाला फंदा है राइट साइड इस ये है, तो ये आगे वाले, ये पीछे वाले फंदे को हम आगे की तरफ से ऐसे आगे लेके आएंगे इस तरीके से, लाए लेफ्ट नील में चढ़ाया और फिर इन दोनों को हमने सीधा बिन लेना है, धागे को पीछे करेंगे और ये एक दो, ये दोनों फंदे हमने सीधे बिन लिए। इसके बाद यहाँ पे अब हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर ये एक फंदा बीच का उल्टा है इसको उल्टा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये दो फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो इसको लेफ्ट ट्विस्ट करना है, तो ये पीछे वाले फंदे को हम आगे की तरफ से पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे इस तरीके से, लाए ऐसे चढ़ाया इसको और अब इन दोनों फंदों को सीधा बिनना है। अब यहाँ पे जाली आ रही है तो धागा हमारा आगे है और इन दोनों फंदों को जो ट्विस्ट करे थे उनको हमने सीधा बिन लेना है, दोनों फंदे सीधे बिन दिए। अब ये दोनों फंदे हमें पीछे से एक साथ उल्टे बिनने हैं, तो धागा अपनी तरफ ले आइएगा और जैसे हम सीधा बिनते हैं पहले ऐसे करके इन्हें स्लिप कर लेंगे दोनों फंदे, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा है, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पीछे की तरफ से ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, पीछे की तरफ से ऐसे करके इस तरीके से हमने इनको दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेना है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न, फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो एक फंदा आगे का उल्टा, फिर इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, इन दो फंदों को ट्विस्ट करना है राइट साइड की तरफ, तो पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से आगे लेके आए ऐसे करके, ऐसे चढ़ा दिया ऐसे और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बिन देंगे, धागे को पीछे करेंगे और इन दोनों को सीधा बिन देंगे। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा इसके बाद सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन दो फंदों को लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, तो पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे ऐसे, वैसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर धागा आगे है, यहाँ पे जाली डलेगी और इन दोनों फंदों को सीधा बिन देंगे। इसके बाद इन दो फंदों को पीछे से एक साथ उल्टा बिनना है, तो धागा अपनी तरफ ले आइएगा, इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेना है पहले, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और फिर बैक लूप से इस तरीके से पीछे की तरफ से ऐसे करके इन दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न, लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, तीनों को आपने उल्टा बिन लेना है। सिक्स रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही करना है कंप्लीट, सेम हमारी सेकेंड रो की तरह बनेगी, एक फंदा स्लिप। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है इस तरीके से, इसमें जाली आ गई है और ये ऐसे करके फ्रॉक की शेप आ गई है, तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे, इन्हीं छह रो को आपको रिपीट करते जाना है, तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये इस तरीके से लुक देने लग जाएगा। थैंक यू।